सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने अपनी डोमोग्राफी पे वीडियो डाली थी उस पर 1.1 मिलियन व्यूज पूरे हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप इसको क्लिक करिए और ये आपको उस वीडियो पे ले जाएगा। और मैं गंगोत्री जा रहा हूँ रोड ट्रिप पे, ठीक है, बाइक अपनी रॉयल एनफील्ड लेके। तो मैंने क्या क्या प्रिपरेशन करी है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरी प्रिपरेशन में जैकेट है जो राइडिंग जैकेट होती है, हेलमेट है जिसके दो वाइजर हैं और वो स्टील कोट कंपनी का है, राइडिंग ग्लव्स है और वाटरप्रूफ शूज है। तो मैं एक एक करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो कौन सी कंपनी के हैं और उसका क्या लुक आता है। तो जो व्यूअर्स मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वहाँ पे साइड में बेल आइकन भी होगा तो उस पर जरूर क्लिक कर देना, जैसे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए और आप उसको लाइक कर सकें। तो सबसे पहला गियर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये ग्लव्स, राइडिंग ग्लव्स जो कि आपके हाथ को प्रोटेक्शन देते हैं। और ये स्टड्स कंपनी के हैं। अगर मैं मॉडल की बात करूँ तो ये SM G2 मॉडल है। प्राइसिंग मैं सबसे लास्ट में बताऊँगा जब मैं आपको गियर पहन के दिखाऊंगा। और सेकेंड आइटम है वाटरप्रूफ बूट्स, आप देख सकते हैं कि ये फुली कवर्ड है, ये वाटरप्रूफ है। तो आप इनका लुक देखिए ये कैसा आता है इसका लुक, मैं ये भी आपको गियर करके दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं। गाइस थर्ड जो गियर है वो है आपका हेलमेट, क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी है। ये एरिस कंपनी का है, आप इसका लुक देख सकते हैं। इसके साथ दो वाइजर है, एक तो ये कलर और एक ये ट्रांसपेरेंट। ये बहुत ही सिंपल होते हैं डिटैच और अटैच करने, ठीक है। आपको मैं एक बार अंदर से दिखाता हूँ, एक बार आप पीछे से लुक देखिए एरिस मॉडल। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नॉर्मल लॉक जैसे खुलता है ये लॉक, यहाँ पे ये आप इसको लॉक नहीं लगाना तो आप इसको नॉर्मली स्टिच भी कर सकते हैं। आप इसके देख सकते हैं क्वालिटी, देख सकते हैं कुशनिंग दे रखी है हर जगह, बहुत ही सेफ मॉडल है। देखिए आप इसका लुक अंदर से, उसके बाद मैंने इसको लॉक कर दिया और ये स्टिच कर दिया। अब आप देखिए ये कैसा लगता है, ये अभी ऊपर है इसका, ऐसा मॉडल आता है। मैं आपको बाद में इसको वियर करके दिखाऊंगा कि कैसा लगता है। गियर है वो है जैकेट, राइडिंग जैकेट जो कि बैनर कंपनी की है। आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर इसमें प्रोटेक्शन पैड दे रखे हैं, अंदर ही हैं दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे प्रोटेक्शन पैड है। पीछे से अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही क्लासिक लुक है पीछे का, आप देख सकते हैं। इसमें स्ट्रिप्स दे रखी हैं जिसको ये एडजस्ट कर सकते हो आप, इसमें यहाँ पर स्ट्रिप्स है, इसको आप ऊपर से भी यहाँ से भी स्ट्रिप कर सकते हो, जिसका बाइसेप थोड़ा बड़ा है वो एडजस्ट कर सकता है। इसमें ये रेडियम दे रखा है, रात में अगर इस पर लाइट पड़ेगी तो ये ग्लो करेगा वाइट कलर में। आप एक बार आगे से फिर से लुक देखिए, इसमें यहाँ पे आप स्लीव्स को भी कर सकते हैं पूरा, एक बार आप अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये मैंने ओपन करी, सबसे पहले इसमें दो पॉकेट दे रखी है, आप पहले यहाँ पे कुछ अपना वॉलेट या कैश रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं। ये जो जैकेट है ये थ्री वे डिटैचेबल जैकेट है, ये आपका सबसे पहले ठंड वाला है जिसमें आपको ये ठंड से प्रोटेक्ट करेगा आपको। अगर ठंड नहीं है और आपको नॉर्मल जैकेट पहननी है तो आपने ठंड वाला इसको निकाल दिया थर्मल। और उसके बाद आता है आपका रेन, अगर रेन होती है तो आप इसको ऐसे ही पहन सकते हैं, और अगर रेन नहीं है और आपको गर्मियों के लिए यूज़ करनी है तो आप रेन वाले इसको भी आप अलग कर सकते हैं। उसके बाद ये जो रह गई है सर जैकेट, ये समर वाली जैकेट बस बंद करके दिखा देता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं पीछे पैडिंग है सेफ रहने के लिए। वैनम कंपनी, इसका प्राइस भी मैं आपको जब वियर करूँगा। सो गाइस आई एम थिंकिंग टू एड ऑन सम कंटेंट, सम मोर कंटेंट ऑन माय चैनल जो कि कार से रिलेटेड होगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, जिससे कि यार गाइस बहुत टाइम लगता है एक एक वीडियो बनाने में और बहुत मेहनत लगती है। तो बाइक जो थी वो मेरी मैंने आपको दिखाई दी है, जो हायाबुसा और हार्ले वहाँ पे
तैयार हो रही है, वो जब हो जाएगी तब मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा। सो मेरे पास टीचर गाड़ी है जिसका मैं रिव्यू दे सकता हूँ आपको। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप इंटरेस्टेड हैं कार्स को देखने में या नहीं, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।